वंस अगेन, अभी हम पाम जुमेरा में हैं। पाम जुमेरा मोनोरोल थ्रू जाएंगे अटलांटिस की तरफ। देखिए कैसा लगता है। अभी मेरीना से मैं आया हूँ का ट्राम पकड़ के, जो कि दुबई ट्राम। अभी मोनोरेल के थ्रू जाऊँगा का पाम जुमेरा अटलांटिस। तो चलिए देखिए। फ्रेंड्स, अभी हम अटलांटिस पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे वो है अटलांटिस। अभी हम कच्ची साइड जा रहे हैं, वहाँ से बढ़िया व्यू मिलेगा। साइड जा रहे हैं, देखिए छोड़ पे बसा ये है अटलांटिस। देखो अटलांटिस एकदम सामने से। आप यहाँ पे टैक्सी लेके भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आने का बेस्ट वे आपका वो मोनोरेल ही है, और चीप एंड बेस्ट भी है। फ्रेंड्स, अभी मैं दुबई मरीना आया हुआ हूँ, जो कि दुबई का एक बहुत ही बेहतरीन जगहों में से एक, जो कि अगर आप दुबई आओ तो ये जगह कभी मिस मत करना, देखने लायक जगह है। दुबई पर आया हूँ, जो कि दुबई मरीना वाटरफ्रंट। यहाँ पे पर्सनल यॉट वगैरह रहता है। बेहतरीन जगह है, अगर आप कभी दुबई आए हो तो ये जगह कभी मिस मत करना, ये देखने लायक जगह। ये आप मेट्रो से आ सकते हो दुबई मरीना। दुबई मरीना वहीं उतर के आप ट्राम भी ले सकते हो, बाई वॉक करके भी आ सकते हो। अभी मैं मरीना का एक वॉकिंग टूर लेता हूँ। वॉक करते हुए इधर से उधर घूमेंगे, तो देखते रहिए। एक्चुअली यहाँ दिन में आने से भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं रात को इसलिए आया कि लाइटिंग वगैरह और अच्छा लगेगा, इसके लिए ही मैं रात को आया हूँ। तो चलिए देखिए। Thank you.
तरफ एक ही नज़ारे, खाली रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ बहुत सारा होटल भी अभी बन चुका है। अभी मतलब वेस्टर्न लोगों के लिए ये बेस्ट डेस्टिनेशन है। अपना इंडियन बंदा यहाँ कम ही मिलेंगे। यहाँ इंडियन बहुत रेयर ही आपको नज़र आएगा, ज़्यादातर आपको वेस्टर्न और अरेबिक भी बहुत कम ही नज़र आएगा, वेस्टर्न बंदे ही ज़्यादा है। जेवियर वॉक की तरफ जा रहे हैं। जेवियर वॉक जो कि एक दुबई का बहुत ही फेमस वॉक स्ट्रीट है, तो अभी हम जेवियर वॉक की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग आए हैं उधर से, जो कि मरीना साइड से आके जेवियर वॉक। आप देखिए सामने से आ रहा है दुबई का ट्राम, ट्राम भी देख लीजिए। सिग्नल भी यहाँ ग्रीन हो गया, अभी हम जेवियर वॉक की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जेवियर का एरिया है जो कि यहाँ बीच वॉक के लिए बहुत ही फेमस है। सामने ही बीच है, अभी हम लोग जो वॉकिंग एरिया वहाँ पर है। ये बहुत ही फेमस जगह है, जेवियर वॉक बोला जाता है इसे। जेवियर में आप जब भी आओ तो प्रोग्राम नाइट का करो, चाहे रात में लाइटिंग वगैरह बहुत कुछ रहता है। दिन में आओगे तो आपको बिल्डिंग ही नज़र आएगा, लाइटिंग वगैरह और जो एटमोसफेयर है ये रात का ही बहुत बढ़िया रहता है। अपनी काम काज के बाद फ्री होके ना यहाँ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को आता है। अभी
सामने ही आप देख सकते हो दुबई फ्लैर, जो कि थोड़ा दूर है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं जो मेरा बीच साइड है, बीच साइड में, बीच फ्रंट में आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए आपका सामने ही है दुबई आई करते। यहाँ से बहुत दूर हम जहाँ पर ही हैं, जाने के लिए अभी टाइम भी बहुत रात हो गया। ऐसे अपना हांगकांग का सीरीज में हमने किया था, तो हमको बहुत ही इच्छा था इसको करने के लिए, लेकिन इतना पैदल चल चल के पूरा पैर का हालत ख़राब है। सॉरी दोस्तों, रियली हमको बहुत ही इच्छा था कि दुबई आई का भी शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, लेकिन पैर का हालत बहुत ही ख़राब है और यहाँ से बहुत ही दूर है और रात भी बहुत हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम, जैसे हमने हांगकांग सीरीज में किया था, हमको बहुत ही इच्छा था कि यहाँ भी करें। ये बीच साइड का है, जैसे हम लोग उधर में वो JBR वॉक था, ये एकदम बीच फ्रंट है, बीच का सामने हम लोग आ चुके हैं। यहाँ आपको सब खाने का दुकान वगैरह, अभी तो बीच वगैरह में रहता है, लेकिन थोड़ा अपग्रेड है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है। और उधर है वो अटलांटिस, ये आपका दुबई आई, ये पूरा के पूरा जुमेरा बीच। तो फ्रेंड, आज का हम हमारा जुमेरे का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये जुमेरा बीच आप लोग कैसा लगा, जो JBR वॉक के साथ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।